दोस्तों राधे राधे। दोस्तों मैं वृंदावन प्रेम मंदिर में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और हम आपको यहाँ के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी भक्तगण आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों मैं इस समय प्रेम मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। लेकिन मैं इस समय दिन में आया हूँ, लेकिन रात का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारा है, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारा है प्रेम मंदिर के अंदर का। आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, आपको चारों तरफ से मंदिर का नज़ारा दिखाना हूँ। चारों तरफ से मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, काफ़ी सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। लेकिन रात में आपको यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं इस समय दिन में आया हूँ, लेकिन दिन में भी लोगों की काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। लेकिन रात का नज़ारा और भी खूबसूरत होता है दोस्तों। दोस्तों इधर झांकियों की झलक आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा। काफ़ी धूप भी है दोस्तों, लेकिन धूप में भी भक्त नज़ारा देख रहे हैं यहाँ का। देखिए कितनी भीड़ है, ये है यहाँ पर प्रेम मंदिर का सामने का नज़ारा। दोस्तों आप देखिए प्रेम मंदिर का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। सुंदर नज़ारा है, आप जब भी कभी वृंदावन आए तो प्रेम मंदिर को देखना ना भूलें, क्योंकि इस प्रेम मंदिर का नज़ारा रात में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है दोस्तों। क्योंकि दिन में बहुत कम ही भक्त आते हैं, लेकिन रात का नज़ारा देखने लायक होता है दोस्तों। देख सकते हैं पीछे का नज़ारा आप, और यहाँ पर आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ग्वाल वाल गाय चरा रहे हैं, काफ़ी सुंदर झांकियाँ हैं। और ये है हिरन, इधर भी झांकी कितनी सुंदर है, वहां पर भी आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको झांकियां ही झांकियां नजर आएंगी।
तो दोस्तों मैंने आपको प्रेम मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको दिखाया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर भी झांकी देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए आप गोवर्धन पर्वत को, ग्वालवाल और भगवान श्री कृष्ण उठाए हैं, कितना सुंदर नज़ारा है आप देख सकते हैं। हाँ